फ्रेंड्स, पपीता पपीता खाने में बहुत ही टेस्टी और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम उसी पपीते की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। आज हम मसालेदार पपीता बनाएंगे और इसको एक अलग तरीके से बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक पपीता लिया है, ये लगभग क्वांटिटी में 500 ग्राम्स होगा। इसको छील के इसको क्यूब शेप में, 1-1 इंच के क्यूब शेप में कट करते हैं। ये देखिए, हमने पपीते को 1 इंच के क्यूब शेप में काट लिया है। अब हम चलते हैं अपनी गैस की तरफ और गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है। अब हम इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें ऑयल डाला है। मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है, आप चाहे तो किसी भी ऑयल का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, हमने जो पपीता कट करके रखा था वो अपने ऑयल में ऐड कर देंगे। अब हमें इस पपीते को इस ऑयल में 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे और इसको भूनते रहेंगे। हमें इस पपीते को 50% तक यही कुक कर लेना है ताकि हमें फिर आगे पपीता कुक करने में कोई दिक्कत ना हो और हमारी सब्जी जल्दी से बनके तैयार हो जाए। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारा पपीता 50% तक अच्छे से कुक हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इस कढ़ाई में जो तेल ऑयल बचा है उसमें हम अपनी सब्जी का तड़का लगाते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड सीड। मैंने यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड लिया है। थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे। 1 से 2 तेज पत्ते को हम इसमें ऐड करेंगे और इनको अच्छे से सोटी करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारे सारे मसाले अच्छे से सोटी हो गए हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, जिससे हमारी सब्जी का कलर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा, जिससे हमारी सब्जी का कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मसाले का कलर बहुत ही अच्छा हो गया है। अब इसमें हम 2 टमाटर को बारीक चॉप करके ऐड करेंगे और इनको भी अच्छे से सॉटी कर लेंगे। फ्रेंड्स, टमाटर को हमें जब तक सॉटी करना है जब तक हमारा टमाटर अच्छे से पक नहीं जाता और इसका टेक्सचर चेंज नहीं हो जाता। गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे और टमाटर को धीरे धीरे सॉटी होने देंगे। टमाटर को अगर हमें जल्दी सोटी करना है तो हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा टमाटर इजिली बहुत जल्दी कुक हो जाएगा। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और धीरे धीरे चलाते हुए सोटी करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारा टमाटर अच्छे से सोटी हो गया है। इस स्टेज में हम यहाँ पे इसमें थोड़े से लहसुन को ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 8 से 10 लहसुन की कलियों को क्रश करके रखा है, इसको हम इसमें ऐड करेंगे और थोड़े से मसालों को ऐड करेंगे, जैसे थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। इन सभी को अच्छे से टमाटर के साथ मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, सारे मसालों को एक दूसरे में अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर एक दूसरे में अच्छे से समा जाए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारे सारे मसाले अच्छे से भून के तैयार हो गए हैं। अब इस स्टेज में हमने जो पपीते को फ्राई करके रखा था उसको इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से टमाटर के साथ मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने पपीते को अच्छे से टमाटर के साथ मिक्स कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने नमक को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम नमक के साथ भी अच्छे से अपने सारे मसाले, फ्रेंड्स, अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से एक बार चला देंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसको अच्छे से चला देंगे और एक लिड से कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। चलिए अपने पैन की लिड को हटाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारी सब्जी बनके लगभग तैयार है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, पपीते की मसालेदार सब्जी बनके तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर देते हैं और इसकी प्लेटिंग करते हैं।
फ्रेंड्स अब हम एक प्लेट लेंगे और अपनी सब्जी को सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ना, पपीते की मसालेदार सब्जी बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये सब्जी आप दाल चावल रोटी पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस पे थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। तो फ्रेंड्स कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।